अब मैंने आपके सामने एक चीज करनी, वो ये, अब देखें हमारे पास यहाँ पे भी मैं मंथली रेवेन्यू $20,000 कर रहा हूँ, प्राइस 35-200 कर दिया, मिनिमम रिव्यू काउंट आप कह लें कि 200-300, रिव्यू रेटिंग आप कह लें कि 1-3, राइट, और सर्च का बटन दबा दें, एक ये हो गया। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट डेटाबेस में आ गए, मिनिमम प्राइस 3500, मिनिमम रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज आप कह लें 200-300, मिनिमम नेट, मिनिमम रेटिंग, मैक्स रेटिंग 1-3, वेट नहीं, मैक्स सेलर्स नहीं, मिनिमम सेलर्स नहीं, मिनिमम रेवेन्यू आप 20,000। फिर मैं वायरल लॉन्च की तरफ आ गया हूँ, ब्लैक बॉक्स ने भी हमें रिजल्ट दे दिए और दूसरी तरफ हमारे पास जंगल स्काउट ने भी रिजल्ट दिए। यहाँ पे भी एवरेज मंथली रेवेन्यू को 20,000, एवरेज प्राइस 35-200, एवरेज रिव्यू काउंट्स 200-300, उसके बाद जी रिव्यू रेटिंग रह गया हमारा, एवरेज रिव्यू रेटिंग इसको आप 3 कर रहे, सॉरी 1-3, प्रोडक्ट की सेटिंग करें, मंथली रेवेन्यू 20,000, मिनिमम प्राइस 35, मैक्स 100, रिव्यू काउंट 200, मैक्स 300, रिव्यू रेटिंग हो गई 3, ठीक है जी। अब जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपके पास बहुत मुख्तलिफ आइटम्स हैं, ऑल्दो सिर्फ सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ है, तो आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज मिलेंगे, बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सेम क्राइटेरिया में यहाँ पे आपको और आइडियाज मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, पेज 1 of 1। अच्छा, इसने टोटल प्रोडक्ट्स ही डिस्प्लेइंग 50 of 7। अच्छा, अब ये आपको करके दिखाने का मकसद ये है कि हमें इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में कुछ प्रोडक्ट्स मिलती जुलती और मेजरली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिल रही, तो तीनों सॉफ्टवेयर्स वर्किंग में एक दूसरे से क्राइटेरिया वाइज सेम है, मतलब यू डोंट हैव टू हैव वेरी सेपरेट लर्निंग फॉर जंगल स्काउट, वेरी सेपरेट लर्निंग फॉर वायरल लाउंज एंड हीलियम 10। इनकी वर्किंग स्टाइल, जो आपने डेटा इनपुट करना है, द वे यू डू इट, वो बहुत मिलता जुलता है, लेकिन आपको आइडियाज चाहिए तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ आइडियाज मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं रिव्यू काउंट को लेट्स से 100, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स चेंज हो गई है, राइट, जैसे यहाँ पे बेड शीट्स आ गई हैं, सेलुलर ब्लैकआउट फैब्रिक शेड फिट्स विंडोज, कोई विंडो की कोई वर्किंग है, ये कोई माउथ पीस है एंड कोई विग है, यहाँ पे आपके सामने अगेन बेड शीट्स आ गई हैं। इस तरफ देखते हैं आपके पास ये कुछ आउटडोर वो है, कनोपी प्राइस $60 है सारी, ओके, ये कुछ टर्मेरिक कॉलेगन फ्यूल ड्रिंक मिक्स है एंड देन वी हैव सम फॉयल है, ये कुछ माउथ पीस है, माउथ पीस इसमें भी था, यहाँ पे विग आ गया। अब देखें ये प्रोडक्ट वहां पे नहीं देखा, ये तो है जी रोटी मेकर आ गया, वाह जी वाह, $70 का है, मंथली $35,000 रेवेन्यू है एंड देन वी हैव ये पौधे हैं लाइव। अच्छा, इनको हमने लास्ट टाइम शायद चेक भी किया था, ओके, ये शूज हैं, राइट। अच्छा, तो हमें अब इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को यूज करके चेक करना है जब भी हमने प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग करनी। दूसरी तरफ हमने जब भी किसी प्रोडक्ट को चेक करना है, उसकी लेट्स से यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, होम एंड किचन में
इसको ओपन कर लेते हैं। जब भी हमने किसी प्रोडक्ट के स्टैट्स को, अच्छा अब ये करेंटली अनअवेलेबल बता रहे हैं, इसको अप्लाई कंटिन्यू और ये अवेलेबल हो जाएगी, अभी अवेलेबल हो गई, डन हो गया। अच्छा जी अब हमने यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी में स्टैट्स को चेक करना है और प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रोडक्ट्स की मेन कैटेगरी का मतलब है कि अब लेट्स से इसका टाइटल है, ये है सॉलिड वुड प्लेटफॉर्म बेड फ्रेम विद वुडन स्लैट्स, तो ये वुड प्लेटफॉर्म बेड फ्रेम विद वुडन स्लैट्स है, लकड़ी का फ्रेम है बेड का, ठीक है जी। देखिए और भी पिक्चर्स हैं, बेड का लकड़ी का फ्रेम है। अब मैं इसके स्टैट्स देख लूंगा सॉफ्टवेयर वाइज। सबसे पहले हीलियम 10 पे चेक कर लेते हैं और यहां से ही आप स्क्रीनशॉट्स भी उठाते हैं और उस प्रोडक्ट रिपोर्ट के ऊपर जाके पोस्ट करते हैं। $28,000 का रेवेन्यू कर रहा है, इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, है ये सेम ब्रांड के, इसके अंदर ऑप्शंस काफी ज्यादा है, देखे ना इसका मुख्तलिफ। अब कोई फ्रेम जो है वो $99 का है, कोई 109, कोई 89, कोई 994, कोई 119, और फिर रेवेन्यूज भी इनके मुख्तलिफ है, $28,000 है, कोई $31,000 है, कोई $25,000 रेवेन्यू कर रहा है, राइट। अच्छा जी अब इसके ऊपर ही आप जंगल स्काउट का इसका जो जंगल स्काउट का लॉगिन का प्रोसीजर है ना वो काफी लंबा है, ये पूरा तरीका है जिससे जंगल स्काउट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अच्छा लेट्स गो फॉर वायरल लॉन्च, वायरल लॉन्च का देखते हैं। अच्छा अब हमने हीलियम 10 के ऊपर देखा कि $28,000 रेवेन्यू है, राइट, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं ASIN को मैच कर लेना चाहिए हमें, यहाँ पे ये बता रहे हैं 30,000, 28,000। देखें जी जो $99 का इसका प्रोडक्ट था, इस तरफ भी देखें, $99 वाला था, 28,000 मेरे ख्याल में हीलियम 10 अब देखना यहाँ पे कुछ डिफरेंस मिल गया आपको, $99 वाला जो इनका प्रोडक्ट है वो $28,000 कर रहा है जो दिखा रहा है हीलियम 10 का एक्सरे, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो वायरल लाउंज कह रहा है कि ये $30,000 कर रहा है। अब लेट्स से इसी तरह जंगल स्काउट भी, अभी जंगल स्काउट को ऑन करने का प्रोसीजर काफी लंबा है, लेकिन जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को ऑन करेंगे तो जंगल स्काउट भी हमें इन वैल्यूज के इर्द गिर्द, जैसे $2,000 का फर्क आ रहा है इन दोनों सॉफ्टवेयर में, उसमें भी $1,000-$2,000 का रिजल्ट का फर्क आए तो नो प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट कर जाए अगर आपके मुताबिक ये प्रोडक्ट सही है तो, आपके एनालिसिस के मुताबिक आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो। लेकिन अगर यहाँ पे हीलियम 10 $28,000 कह रहे और वायरल लाउंज आपको कह रहे $15,000 और जंगल स्काउट कह रहे $40,000, तो फिर इस प्रोडक्ट को छोड़ दें, चाहे जितना मर्जी आपका जो क्राइटेरिया है वो इसको मैच कर रहा है, क्योंकि ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। फिर बात आ जाती है सेल को छोड़ के सर्च वॉल्यूम पे, पहला क्राइटेरिया ये, अगर सर्च वॉल्यूम मिलता जुलता है, क्योंकि प्राइस तो हम सबके सामने है, प्राइस तो यहाँ पे गलत नहीं हो सकती जो यहाँ पे अमेजोन के पेज पे शो होगी, और अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो फिर ऑन द सेकेंड टर्न सर्च वॉल्यूम को देख के डिसाइड किया जा सकता है कि भाई वो भी मैच नहीं किए, सर्च वॉल्यूम भी इसका मुख्तलिफ आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, तो फिर ये प्रोडक्ट रिस्की हो सकता है, फिर उस प्रोडक्ट के रिस्क में, राइट। अच्छा यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, एक कंसेप्ट क्लियर कि भाई हमें प्रोडक्ट ढूंढने जाना है तो हमें तीनों सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तीनों सॉफ्टवेयर के वेब वर्जन को यूज करना है। अच्छा फिर हमें प्रोडक्ट के, जो हमें प्रोडक्ट को लेट्स से डिसाइड कर लिया, उसका प्रोडक्ट का पेज खोलना है और उसके ऊपर जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 तीनों की एक्सटेंशन को खोल लेना है। लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने हीलियम 10 की एक्सटेंशन खोली, इसी के ऊपर ही खुल जाएगी ये वायरल लॉन्च, इफ इट डज, एक ही स्क्रीन पे 3-4 स्क्रीनें खुल जाती हैं, इफ यू हैव
इफ यू हैव डिफरेंट स्क्रीन्स, जैसे मैं इस काम को करने के लिए क्या करता हूं, इस काम को करने के लिए मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन्स है जो जो यहाँ पे मेरे टेबल पे लगी हुई है. इन ऑर्डर टू शो यू दैट, यहाँ पे अब जैसे मैंने एक स्क्रीन पे जंगल स्काउट का खोल लिया, एक स्क्रीन पे वायरल लाउंज का खोल लिया. सो इस तरह यहाँ पे ये मेरा लैपटॉप है, फिर ये मेरी दूसरी स्क्रीन है जिसको मैं चला सकता हूँ. जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरफ शो कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकते हैं. देन आई हैव माय थर्ड स्क्रीन. तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्क्रीन्स के ऊपर एट द सेम टाइम, इंस्टेड ऑफ के आप एक को बंद करें और दूसरे को चलाएं और फिर आप देखें कि भाई उस वहां पे क्या नंबर थे. जैसा थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ कि मैंने कहा शायद उसका 28,000 था और वो वही था, लेकिन मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन में वो शो हो रहा होता तो मेरे लिए आसानी हो जाती. वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं जंगल स्काउट वायरल लाउंज हीलियम 10, लेकिन अगर आपके पास हीलियम 10, एटलीस्ट हीलियम 10 और साथ वायरल लाउंज या जंगल स्काउट दोनों में से एटलीस्ट एक और सॉफ्टवेयर हो लाजमी, फिर आप उसकी तरफ जाओ. क्योंकि आपको मैंने रिपोर्ट में दिखाया कि हमने जंगल स्काउट और हीलियम 10 की स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, तो अगर ये दो भी हो जाए तो यू कैन गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम. अच्छा जी, अब एक तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर आ गए, लेकिन इसका कीवर्ड पकड़ेंगे और सर्च करेंगे. ठीक है, अब हम आगे हैं मेन कीवर्ड में. मेन कीवर्ड के अंदर जो जनरल कैटेगरी है इसके स्टैट्स को भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे दोनों तीनों सॉफ्टवेयर से. इसमें भी आया, मैंने वायरल लाउंज को क्लिक कर दिया, वायरल लाउंज अपने आप स्टैट्स दिखा रहा है. लेट इट लोड. असुलन हमें जनरल कैटेगरी में पहले आना चाहिए, फिर हमें, लेकिन डेफिनेटली वो हम क्योंकि हीलियम 10 या जंगल स्काउट या वायरल लाउंज के वेब के अंदर से प्रोडक्ट के पेज पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा पहला स्टेप ऑटोमेटिकली वही आ जाता है, लेकिन उसकी जनरल कैटेगरी को भी सर्च करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो आपका जो सेलर है वो $31,000 रेवेन्यू बना रहा है. वाह जी वाह, 55 लाख डॉलर का रेवेन्यू है टॉप सेलर का, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी है यहाँ पे क्योंकि 55 लाख के बाद $14 लाख का आ रहा है और इवन ये ब्रांड भी तीनों सेम ही है. जिनस मेलो मेलो है वो $10 लाख का रेवेन्यू कर रहा है. फिर जिनस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. ओली है 169. अच्छा, ये जनरल कैटेगरी में टोटल रेवेन्यू है $1,74,00,000 टोटल रेवेन्यू है. बहुत अच्छा डिपार्टमेंट लग रहा है. राइट, एवरेज जो एक एवरेज सेलर है $3 लाख का रेवेन्यू कर रहा है. एवरेज प्राइस $200 की है. अच्छी चीज़ है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जैसे टॉप सेलिंग में 55 लाख है जिनस का, 14 लाख है, 55, 14, 12 आ रहा है. ठीक है जी, अब हम वायरल लाउंज में चले जाएं. 55, 14, 12, 10 राइट. अब हम वायरल लाउंज में चले जाएं. अब वहां पे 55, 14, 10 लाख दे रहा है. मेलो का यहाँ पे दिखा रहा है $10 लाख और यहाँ पे दिखा रहा है $8,75,000 $1,25,000 का फर्क दिखा रहा है. मतलब ये चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, क्योंकि सॉफ्टवेयर से हमें धोखा नहीं खाना. अगर सॉफ्टवेयर की वैल्यूज पे यकीन करके हम प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं और हमारा नहीं रहता तो फिर हम सॉफ्टवेयर को ब्लेम नहीं कर सकते. हाँ जी,